कुंवार नवरात्रि पर्व को लेकर इस बार दुर्ग के मां शत्रुपा शीतला मंदिर में ज्योति कलश स्थापना के साथ ही ज्योति कक्ष का लोकार्पण संत श्री बाल योगेश्वर राम बालक दास द्वारा किया जाएगा। कुंवार नवरात्रि पर्व के अवसर पर इस बार दुर्ग के सिविल लाइन स्थित मां शत्रुपा शीतला मंदिर में नवरात्र में लगभग 1351 ज्योति कलश की स्थापना की जा रही है। वहीं पूरे 9 दिनों तक मंदिर परिसर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे, साथ ही अष्टमी के दिन वृहद स्तर पर हवन पूजन का आयोजन किया जाएगा। इसमें शहर भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हवन में आहुति देने यहां लोगों की मौजूदगी रहेगी। साथ ही इसी अवसर पर मां शत्रुपा शीतला मंदिर सेवा समिति प्रांगण में ज्योति कक्ष का जीर्णोद्धार एवं पुनः नव निर्माण शत्रुपा शीतला सेवा समिति के द्वारा कराया गया है, जिसका लोकार्पण संत श्री बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। पिछले वर्ष की भांति पिछले तो 1287 था हमारे पास ज्योति कलश, लेकिन अभी वर्तमान में 1351 है हमारे पास। और हम इस आयोजन के लिए और जो हमारे ज्योति कक्ष के अभी जीर्णोद्धार हुआ है उनके लिए हम तपोभूमि श्री बाबा बालकनाथ जी को यहाँ पे मतलब दीप प्रज्वलित के लिए सह सम्मान बुलाया गया है समिति की ओर से, और भय रूप से है कार्यक्रम रहेगा। और उसका जो समय हम लिए हैं बाबा जी से, उनका जो समय है 11 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे सभी शहरवासी एवं समस्त और दर्शक भक्त जनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में बाबा बालकनाथ के साथ में सहयोग प्रदान करें, तो हमारे मां शत्रुपा शीतला मंदिर का देश विदेश का छत्तीसगढ़ का पूरा हर जगह यहाँ पे गौर मौजूद है। तो ज्योति कलश वाला जो हाल था उसका बहुत बड़ा ऑल्ट्रेशन का काम चालू था, वो ऑल्ट्रेशन पूरा हो गया है और उसमें समिति के सभी सहयोग सभी मेंबरों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और कार्यक्रम संपन्न होकर अभी ज्योति कलश वहीं बैठे। ज्योति कलश का अपन 26 तारीख को बाबा बालकनाथ को बुला के और उसका मतलब ज्योत प्रज्वलित उनसे करवाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे पुराने झाड़ हैं बरसों पुराने जिनको काटा नहीं जा सकता, उनको देवता स्वरूप पूजा करते हैं, उनकी जड़ें जो है वो मंदिर के अंदर दीवार से होके जो मंदिर का गर्भगृह है जहाँ देवियाँ विराजमान है वहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम यही है कि उसका संधारण कैसे करना, अच्छे लोगों का सलाह लेके और उसका बजट बना के फिर उसमें आगे समिति काम करेगी। अपना परिचय माँ शत्रुपा के दरबार में इस वर्ष बाहर से बड़े श्रद्धालुओं के फोन आ रहे हैं ज्योत प्रज्वलित करने का, बड़ी मात्रा में जो है अन्य देश के अन्य स्थानों से अन्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं और हम लोग पूरे जोर शोर से माता के दरबार में पूरी समिति जो है ये नवरात्रि जो है बड़े अच्छे ढंग से और माता रानी की सेवा में समर्पित करती है और सभी श्रद्धालुओं को अच्छा माहौल देके यहाँ पे आमंत्रित करेगी। इस पर्व में पूरा फोकस समिति ने ज्योत की जो व्यवस्था है और माता की जो सेवा है, सेवा पूजा अष्टमी भंडारा नवमी का वो शोभा यात्रा और पूजन का जो कार्यक्रम है उसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा और जनमानस को इसका लाभ मिले। बहरहाल हर साल की तर्ज पर इस साल भी भव्यता से मां दुर्गा का पर्व दुर्गोत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।